नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, और वह खबर क्या है कि जो हमारी एक परीक्षा हुई थी 17 अक्टूबर 2022 को आवेदन हुए थे, और आवेदन हुए थे फॉरेस्ट दरोगा के, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं वन दरोगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही बताना है कि उसका पेपर जो हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 2023 को इसका पेपर हुआ था। ठीक है, पैट 2021 उसमें मांगा था। क्या मांगा था? पैट 2021 मांगा था, और उसका रो स्कोर होने के बाद उसका पेपर जो हो गया था वो हो गया था आपका 30 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट जो थी वो थी 701 पोस्ट, काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। तब बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को एक उम्मीद है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि री आंसर की 7 जून 2023 को आ चुकी है, और अब 7 जून से लेकर बहुत लंबा इंतजार हो चुका है बच्चों को कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आज रात को 9 बजे तक, यानी कि आज रात को 9 बजे तक, यानी 27 तारीख है आज, और आज 9 बजे तक रात को जो है बंद रहेगा का रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो इसलिए घबराएं ना बिल्कुल भी। ठीक है, जिसका भी जैसा रिजल्ट आए उसका अच्छे तरीके से सम्मान करें। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, जिनका हो उनके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हो उनके लिए आगे की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं कि अगर आपका नहीं भी होता है तो आपको हिम्मत से काम लेनी है, क्योंकि किसी भी एक परीक्षा में आपका सिलेक्शन यदि नहीं होता है तो वह आपको निर्धारित नहीं करता कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग पहले इत्मीनान से अपना रिजल्ट देखें, क्योंकि ये लाइफ में, जीवन में संघर्ष होते हैं, और इन संघर्षों का सामना ही करना पड़ता है। इसलिए किसी शायर ने लिखी थी 2 लाइन कि जीवन परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। ठीक है, स्थिरता मृत्यु के समान है, या ऐसा समझिए कि ठहरा हुआ पानी तो कूलर में भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। आज नहीं, इस एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे में, तीसरे में, किसी न किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा जब आप परिश्रम करोगे तब। ठीक है, आर्य बात समझ में, क्योंकि आपको लगातार निरंतर परिश्रम करना है। एक निरंतर परिश्रम करने से एक रस्सी जो होती है, कुएं पर रस्सी जो होती है वो पत्थर को काट देती है, जबकि रस्सी की पत्थर के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू कम होती है बहुत। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट कोई भी आए, आपका कैसे भी आ जाए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कि बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि सर, और ये आपको पता है कि जूनियर UPSSC से जुड़ी जो भी जानकारी आती है हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पहले आपको उसको अवगत कराते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी जानकारी पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और आप इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए, क्योंकि हम आपको बहुत बड़े लेवल पर आपके साथ ये काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम अपना जो भी कंटेंट लगाते हैं, या हम कोई भी अपना एनालिसिस लगाते हैं, हम किस तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या सोर्सेज हमारे होते हैं, परंतु हम आपको जानकारी देते हैं। ये जानकारी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं कर पाते, परंतु हम आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में मेरी क्लास थी, तो मुझे बीच में ये टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए एक थोड़ी जानकारी होती है ये हमें बता देनी है। तो देखिए, एक तो आज ही आ जाएगी आपकी BPO वाले की लिस्टिंग आ जाएगी, आज ही आ जाएगी 27, कल मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि 27-28 में से एक दिन में आ जाएगी, तो आज ही आ जाएगी वो भी शाम तक, और बंद दरोगा का रिजल्ट भी आज ही आ जाएगा। तो घबराना कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छे से अपना देखो, जो भी रिजल्ट आता है कोई टेंशन नहीं, कोई भी निर्धारित नहीं करता कि आप टैलेंटेड हो या नहीं। ठीक है, आपका रिजल्ट ये तय नहीं करता। ठीक है, आप कभी, क्या पता आप किसी और क्षेत्र में हो, अगर इस नौकरी में आपका नंबर नहीं आएगा तो किसी और नौकरी में आपका नंबर आएगा, इससे बेहतर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का हो जाएगा वो अगले पड़ाव के लिए तैयार रहें, और जिनका नहीं हो वो अपना 2023 का पैट देखें। आगे की बहुत सारी तैयारियाँ जूनियर स्टैंड की हैं उन पर क्या देखें, घबराने की कोई बात नहीं कि बहुत सारे बच्चे का मनोबल टूट जाता है, उदास हो जाता है, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।